हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पीएम मोदी की मां हीराबेन के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की माता हीराबेन जी संघर्ष और संस्कार का एक उदाहरण है, उन्होंने क्योंकि उनके संस्कार ने ही देश को नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व दिया। और वहीं हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश ने कहा है कि हम ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सत्य मित्रानंद जी सभी जानते हैं उनको, हरिद्वार के बहुत बड़े संत। उनके वहाँ दो फोटो रखी थी, एक में एक वृद्ध माता उनको सर नवा के प्रणाम कर रही थी, एक में वो उसी तरह से वृद्ध माता के चरण छू रहे थे। जब मैंने एल्बम पलटी, मुझसे उन्होंने पूछा अजय आप इनको जानते हो, तो उस समय मैं नहीं जानता था, बहुत पहले की बात है। तो मैंने कहा महाराज मुझे ये ध्यान भी नहीं था माता जी होंगी करके। पूरी संवेदना माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश के और उनकी माता जी का स्वर्गवास हुआ, पूरी कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड की तरफ से, सारे विधायक गणों की तरफ से, सारे कार्यकर्ताओं की तरफ से अपनी शोक संवेदनाएं प्रेषित करते हैं। प्रभु उनकी माता जी को अपने चरणों में स्थान दे, ऐसी प्रार्थना करें। तड़के जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की माता जी का स्वर्गवास हुआ है और इस दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। और बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने आज सभी प्रदेशवासियों को कहा है कि सब अपने अपने कामों को यथावत रखें। और मैं कह सकता हूं कि एक प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा दिल है ये कि इस शोक की घड़ी में भी हों, आज बैठक भी कर रहे हैं, सुबह तड़के जो है गुजरात गए हैं।